अब हमें भागना पड़ रहा है बिकॉज स्नो पड़ने लगी यहाँ पे। गाइस यहाँ वाला जो हमारा ट्रिप था बहुत अच्छा हो गया। केक कट करते हैं, आओ सब लोग, आओ सब लोग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। आज हम लोग जा रहे हैं वापस घर पर, जिसका हम सभी को बहुत दुख है क्योंकि यहाँ पर मजा भी आ रहा था लेकिन हम अपने घर को ही मिस कर रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ जाने के लिए, और वो घर देख के ऐसा फील आ रहा है कि घर ही है यार, वो अपना है ना। फोन आ रहा है, चलो फोन उठा लो। अब मैं कर रही हूँ पैकिंग, यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गई है और रूम की हालत हो गई है खराब। हाँ, साक्षी दीदी कहाँ है भाई? रेडी? चले 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 चले। ओके, साक्षी दीदी भी है बिल्कुल रेडी, अब हम लोग चले। जीजू कह रहे हैं कि मेरा जिम नहीं हुआ तो मैं सारा सामान नीचे लेके जाऊंगा। है ना दीदी, जीजू का यही कहना है? बिल्कुल यही कहना है। और हमारा दक्ष अभी दो बारी रो लिया है, पिटेगा अभी दक्ष अभी है मम्मा से। अरे दक्ष तो आज इधर ही रहेगा, आप इधर ही रहोगे ना? यस बोलो, यस। जीजू दक्ष आज यहीं पर रहेगा ना? हाँ दक्ष आज यहीं रहेगा, दक्ष बेहद नहीं कर रहा था, हमने ये बोला था कि दक्ष यहीं रहेगा। ठीक है ठीक है। अरे मजाक कर रहा है। सारी पैकिंग हमारी हो चुकी है, नीतू भी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। आज पहली बार हमारी ट्रिप पे ऐसा हुआ है कि हम लोग 11 बजे का इमेजिन कर रहे थे निकलने का, 11 बजे तक तैयार हो गए कर्टसी मैं और जीजू, क्योंकि हम ही दोनों लेट करते हैं, हम दोनों टाइम पे रेडी नहीं होते इसलिए फिर सबका प्लान कैंसिल हो जाता है। कहाँ से ली तूने? ये मैंने दिल्ली से ली थी। कितना सामान भरी उसमें? दूसरा बैग भी नहीं तू? अरे कुछ नहीं है। मैं कहा दूसरा बैग भी है, थोड़ा सा भर दे जो हम पहनेंगे रास्ते में। चल ठीक है, अब चले। अब एक बार चेक कर लियो यहाँ पे कुछ सामान रहे ना। आओ दक्षु देखो, पता है कितना गुड बॉय है दक्षु। देखना दक्षु कैसी जैकेट पहनता है। आओ दक्षु आओ दिखाओ, ये देखो अभी आप लोग देखना जैकेट ऐसे रखो। दक्ष जल्दी दिखाओ, गुड गुड बॉय, जैकेट दिखाएगा अभी। भाई दक्ष बहुत अच्छे तरीके जैकेट पहनता है, आप देखते रहना बस। ये नाव 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 आहा गुड बॉय। गुड मॉर्निंग बेबू, गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग, हाय गाइस। अरे बोलो, हाय गाइस। तो हम लोग निकल रहे हैं, दीदी रेडी, सारा सामान ऑलमोस्ट रख लिया गाड़ी में, एक बार और चेक कर लेते हैं। बहन ये अच्छा, रह गया और ये ब्रश किसका है? हमारा है क्या? आपका कैमरा रह गया, एक आपका फोन, ये प्रोटीन भरा हुआ तो नहीं है? बहन देखो दोनों भरे हुए हैं, नीतू के काम है ये। गाइस यहाँ वाला जो हमारा ट्रिप था बहुत अच्छा हो गया, नमिता आंटी की वजह से उन्होंने इतना सारा खाना पैक करके दिया कि हमें खाने के लिए, आपने देखा एक ही बार बस हम बाहर गए, वो भी कल जब नायग्रा फॉल्स के पास थे, बाकी सब अपना काम यहीं पर चल रहा है। थैंक यू सो मच आंटी, दोबारा से आप व्लॉग देख रहे हो मेरे को पता है, इसीलिए दोबारा से आपको थैंक यू बोल रहे हैं हम लोग। ये भी रख ले, तेरे पास चाबी है गाड़ी की? मेरा नाइकी वाला बैग नहीं दिख रहा यार। अच्छा कहाँ है वो वाला बैग? नाइकी वाला, उसको तो आगे रख देना। हाँ मेरा सामान लेंस का है। कौन सा लेंस? बड़ा वाला जिससे हमें आज वीडियो बनानी है। और वो होगा किसी में गाड़ी में सामान रखते हैं। देखो मेरी इस पर कुछ लग गया है पैन पर, कोई नहीं। चलें जीजू, पहले नायग्रा फॉल्स जा रहे हैं ना दोबारा? नायग्रा फॉल्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यहां से हमें दिख रहा नायग्रा फॉल्स, उस तरफ अभी तो पेड़ के बीच छुप गया है, वहां से धुआं उड़ रहा है। नीतू आज तो मुझे लग रहा है असली में बादल बन रहे हैं। देखा, बोला था ना मैंने। हमने अपनी कार कर ली है यहाँ पर पार्क, अब हम लोग यहाँ का व्यू देख रहे हैं। गाइज अगर आप इस एरिया में आ रहे हो ना तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना, यहाँ पर एक ब्रिज आता है उसके आसपास आपको इतना अच्छा व्यू मिलेगा ना। आई थिंक हम लोग रात में आए थे, कल काफी लेट हो गया था जिस वजह से हम इस व्यू को मिस कर गए थे, लेकिन ये व्यू इतना सुंदर है, अगर आप आ रहे हो ना तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। ये कुछ ऐसा है, मैं और पास जाके दिखाती हूँ आपको। सच्ची में जीजू हमें इतनी सुंदर जगह लेकर आए हैं ये। जीजू कमाल कर दिया आपने यार, तुक्के से मिली है जगह। तुक्के से मिली है? आप पहले नहीं आए यहाँ पे? मैं आया तो था लेकिन टाइट चार्ज मिल रहा है, हवा की वजह से ज्यादा तेज है। ओके, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। नीतू कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर। क्या हंस क्यों रही है? दीदी और हम दोनों कहते हैं जीजू और दीदी की भी होती है, लेकिन इतनी क्यूट होती है जीजू का बोलने का जो स्टाइल है ना, मस्त है। जीजू इससे थोड़ा बच के रहो, घर में लड़ाई करवाएगी। और यही रिवर आगे जाके नायग्रा फॉल्स बनता है, उधर जाके फॉल्स हैं वो। हाय, इतनी ठंड लग गई, ठंड लग गई, सुनाई दे रहा है कुछ? भाई हम बस यही सोच रहे हैं, इतनी ठंड है यहाँ पे और ये डक्स अंदर भी चली गई पानी के। यार जीजू क्या कहना चाहोगे डक्स को देख के? मुझे समझ में नहीं आता कि ये गर्मियों में भी यही रहती हैं, ऐसी रहती हैं, इसी वेदर में रहती हैं, और ठंडो इतनी ठंड में भी ये कर रही है, पता नहीं कैसे कर पाती हैं। जाएगी अंदर?
गोता लगा दे। नहीं नहीं गाइस, हमारे जीजू हमें एक्सप्लोर कराते कराते किसी नई जगह ले आए और यहाँ से अलग ही व्यू आ रहा है नायग्रा फॉल्स का। गाइस ये अभी हमने जगह ढूंढी है और जो ये मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उधर की तरफ है, उससे भी काफी सुंदर है जगह नायग्रा फॉल्स की। तो सपना पूरा हो गया, स्नोफॉल होने लगी, बारिश नहीं थी स्नो है। लुक एट दिस गाइस, कितना मैसिव लग रहा है देखने में। अब हमें भागना पड़ रहा है बिकॉज स्नो पड़ने लगी यहाँ पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ है स्नो? ये स्नो ही तो पड़ रही है। अजीज बेटा दो, मेरा बेटा दोनों फोन मेरे ये ला, इसको तो आप तोड़ सकते हो। अच्छा, हम लोग आगे दोबारा से जहाँ पे कल हमने वो किया था डिनर ब्लॉग बनाते ना, तो रोड क्रॉस करने। कौन? नीतू जीजू, क्या जीजू क्या? अच्छा, कल ब्लॉग बनाते ना तो रोड क्रॉस करने। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा भाई। तो हम आगे जहाँ पर कल हमने डिनर किया था वहीं पर लंच करने आ गए, क्योंकि रास्ता हमारे यहाँ से फिर 6-7 घंटे का होने वाला है घर तक का। हमने खाया है, इतना अच्छा लगा। हम लोगों को लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, दोबारा ट्राई करते हैं क्या आज कुछ नया खाने को मिले। तो कुछ खा के निकलते हैं यहाँ से। इतनी ठंड है ना यहाँ पे, और कोई मेरे जैसा हो जिसको नहाना नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त होती, उसके लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस टाइम पे आओ। आप गर्मियों में आना या जब भी आना हो। कैसा है नहीं तो खाना? सबसे अच्छा क्या लगा? जो भी यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर जरूर आना खाने, बहुत जायका में। मैंने ये लिया मटर पनीर, रायता, समोसा और ये है पापड़ी चाट। दीदी ने भी लिया है खाना, जीजू और दक्ष आ रहे हो। गाइज यहाँ पर हम आए ना, यहाँ पर ये रूल है कि अगर आप कितना पाउंड, एक पाउंड का अगर आप फूड वेस्टेज करते हो तो $10 आपको चार्ज देना पड़ेगा, और एक पाउंड होता है 400 ग्राम। भाई अगर आपने 400 ग्राम का कुछ भी वेस्ट करा, 10 पाउंड मतलब सीधा 800 डॉलर, 830-840 डॉलर का चार्ज लग जाएगा। बहुत अच्छा है यार ये, इससे करो नीतू आज कम से कम पूरा खाना खाएगी। और जीजू जीजू खा रहे हैं, खाते नहीं। क्या हुआ जीजू? पापड़ी चाट ले आए, वो भी खूब सारी, ठीक है? जीजू ने खाई नहीं, कहते साक्षी तेल नीदी, कहती मैंने यहाँ तो मंगवाया हो। जब दीदी ने बताया ना कि यहाँ एक पाउंड पे $10 का चार्ज है, तो जीजी तब से खा ही रहे। सॉरी दक्ष को समझ नहीं आया फिर कैसे रहा वो। और मैं एक व्लॉगिंग के लिए आप गए। अच्छा सुनो, एक बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, अगर आपका खाना बच जाए ना तो टिश्यू पेपर लो और $10 कौन दे रहा अपना, बाद में काम भी आएगा। बाय बाय वापस। से हाय हाय टू एवरीवन। हाय लाइक दिस। हाय हाय चाबी मेरे पास है। तो एक चीज ये करेंगे नीतू, हम लोग भाई अभी हमारे जीजू देखो गाड़ी में शोर इसलिए मच रहा है भाई, यार हद हो गई है। मतलब सच बता रहा हूँ जीजू, हमें जहाँ लेके जा रहे कहीं पे नहीं करने दे रहे भाई। ये 4-5 हमारी ट्रिप हो गई अलग अलग, अभी तक एक जगह हमें इसमें पेट्रोल डलवाने नहीं दिया है। मैं जिद ठीक है बात भैया जीजू, नहीं गाइज मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर इन्होंने पेट्रोल नहीं डलवाना बॉयकॉट कर देना इनको, इन्हें बॉयकॉट करना, इन्हें अनसब्सक्राइब करना अगर इन्होंने पेट्रोल नहीं डलवा दिया। अरे जीजू का चैनल ही नहीं है इसलिए पंगे ले रहे हैं फुल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी जीजू ने बोला कि हम यहाँ से जो घर जाएंगे वो रास्ता कितने घंटे का था जीजू? 6 hours 38 minutes का रास्ता है, अगर हम लेकिन हाईवे अवॉइड करते हैं तो हमारे कुल 12 मिनट बढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन उससे क्या है कि हम लोग यहाँ के गांव देखेंगे यार, देखते हुए जाएंगे। आज हम यूएस के गांव एक्सप्लोर करेंगे उस चक्कर में। जी चलो पहले 10 मिनट वो बताते हैं, ट्रिप काफी सुंदर हो जाएगी। यस यस गाइस, जस्ट अभी हमने रियलाइज करा कि हल्की हल्की स्नो पड़नी स्टार्ट हो गई है। नीतू ने आते के साथ ये बोला था कि अगर मेरे को यहाँ स्नो दिख जाएगी तो मेरी ट्रिप और मेमोरेबल। अब जाते टाइम दिख रही है। नहीं, अजीब जगह, यहाँ भी पेट्रोल खुद ही भरना पड़ेगा। अभी न्यूयॉर्क स्टेट में चल जाना। न्यू जर्सी एक ऐसा स्टेट बता है जहाँ पे आपको अटेंडेंट मिल जाता है गैस भरने का। जीजू मैं पहले बता रहा हूँ, भर आप बेशक लो, मैं नहीं नहीं मैं पेमेंट नहीं करने दूंगा। हाल ही गैस स्टेशन पे लड़ाई, कोई बात नहीं आप अलग कर दो। नहीं जीजू यहाँ से लगो नहीं नहीं मैं कर नहीं दूंगा, आप जो कर सकते हो वो कर लो, मैं नहीं करने दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ आपको। भाई यहाँ पर हो रही है बहुत ही तगड़ी वाली लड़ाई। गाइस अभी जीजू से हमने रास्ते में गाड़ी रुकवाई है बिकॉज यहाँ पर हल्की सी स्नोफॉल हुई है कुछ टाइम पहले, और नीतू अपनी लाइफ में पहली बार देख रही है। खा क्यों रही है? इतनी खुश? गाइस लुक एट दिस यार, कितना सुंदर लग रहा है ये सब। अच्छी वाली बर्फ पड़ी यहाँ तो, नीतू का सपना पूरा हो गया आज। हाँ यार देख लिया, वही काफी है। यहाँ देखो यहाँ क्रिसमस के लिए वो सब बाहर, अभी भी कितनी सुंदर जगह है यार। जीजू ने बोला है देख के उतरना क्योंकि यहाँ बहुत स्लिपरी होगा बर्फ की वजह से।
तेरा ड्रीम पूरा हो गया। कहाँ जा रही है तू? नहीं जा सकते। नहीं यार गाइस, कितनी सुंदर सुंदर विंड मिल्स हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखो यार, बहुत ही अलग जगह है। हाँ व्हाइट शेड आ गया ना। हाँ 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 नीतू तेरे चक्कर में तीसरी बार गाड़ी रोकी है जीजू ने। इस रात हो चुकी है, हम लोग रास्ते में रुके हैं, नीतू को वॉशरूम जाना है इसलिए, और जाना तो सबको है, वन बाय वन जाएंगे, दीदी और दोनों बच्चे भी गाड़ी में बैठे हुए हैं। कुछ खाने का तो मन नहीं कर रहा बिकॉज जाने आने से पहले मतलब हमने कुछ हैवी खा लिया था, अभी तो भूख नहीं है, मेरे ख्याल से एक घंटे भूख लग जाएगी अपने को। यस चलो तुम मेरे साथ। चल रहा हूँ, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापसी घर की तरफ। चलिए जीजू, अभी तीन घंटे का रास्ता हो रहा है। यस तो गाइस हम लोग न्यूजर्सी पहुँच चुके हैं, यहाँ पर एकदम नोएडा वाली फील आ रही है, आप देख सकते हो बीकानेर वाला है, और यहाँ पे जीजू हमें लेकर आए हैं कुछ इंडियन खिलाने के लिए। यार ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी, क्लोथ्स एंड शूज़, अपने जो भी आप मतलब क्लोथ्स नहीं पहनते हो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो नीडी हैं उनको ये पहुँचा देते हैं उसको ठीक कंडीशन में करके, अच्छा लगा मेरे को यार ये। नीतू अभी निंद्रासन में है तो इसलिए गाड़ी के अंदर है, हम खाना वाना लगवा लेते हैं तब तक वो आ जाएगी। चले दक्ष, तू कहाँ जा रहा बेटा? हल्की हल्की सी बूंद पड़ रही है, आ जाओ जी। लॉक लगा दिया आपने गाड़ी का? उसे कुछ पता नहीं चलेगा, कोई जाके सामान वामान ले जाएगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, उस टाइम नींद में है। आयरा आयरा से आई लव यू, आई लव यू, आ जाओ। खाना आ गया हमारा, और अभी आज दीदी की जिम्मेदारी है, इसमें डांट लगा है, मैंने कुछ खा नहीं दिया ढंग से, कई दिन हो गए, आज बहुत टाइम हो गया, देख लो आपका याद रखना। मुझे लग रहा है इस हिसाब से तो जीजू में भी डर खत्म हो जाएगा आपका, थोड़ा सा डर बनाए रखने के लिए करना पड़ेगा। ले तो गाइस आज मैंने भी सोच लिया है कि आज मैं नीतू की एक नहीं चलने दूंगा। सॉरी गाइस, हम लोग आ गए थे बीकानेर पर और हमने खाना खाया, बहुत ही टेस्टी था। फिर आंटी जी हैं जो यहाँ पर, यहाँ की ओनर, उन्होंने हमें रसमलाई दी सबके लिए, क्योंकि जीजू को रसमलाई बहुत पसंद है, उनको पता चल गया तो उन्होंने जीजू को रसमलाई। सबने खा लिया खूब अच्छा खाना, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, बहुत ही स्वीट है आंटी। अब हम चले घर की तरफ, जबरदस्ती मुझे खाना खिलाया गया इनके द्वारा, अच्छा नहीं है। तुम लोगों ने मस्त सो रही थी मैं गाड़ी में, और यहाँ पर आपको सारी तरीके की मिठाइयाँ मिल जाएगी। ये दीदी ने मुझे बोला कि बैग नहीं लेके जाने, तो ये ऐसे पेपर बैग लेके जाने, अरे वो फट गया। तो गाइस हमारे घर में आते ही एक दिक्कत हो गई है, चिड़िया घर के अंदर घुस आई है, हम तीन दिन बाहर थे, पता नहीं चिड़िया को किसने बताया कि घर खाली है। कहाँ है जीजू, दिख नहीं रही हम? हाँ फैन के ऊपर बैठी है देखो, और जा भी नहीं रही जीजू, वैसे अपने आप ही जाएगी है ना, अभी जितना हम कोशिश करेंगे ना वो डर और जाएगी, अगर इसने अंडे दे दिए होंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगी, याद रखना। हाँ अगर क्योंकि इसका इसका शरीर देख के देखो कितनी मोटी सी है ये, और अंडे वंडे दे दिए तो क्या ही। जीजू ने वहाँ गेट खोला हुआ है कि यहाँ पूरे घर की लाइट ऑफ की हुई है, वहाँ उजाला दिखेगा शायद, वहाँ रास्ता देखे चली जाए, लेकिन जा ही नहीं रही है, वहीं बैठी हुई है अभी तक। तो विंडो के ऊपर थी, अच्छी चक्कर है ना कि दो दिन से हम लोग बाहर हैं, तो इस वजह से हम लोग तो सबसे पहले तो यही सोच रहे हैं कि ये आई कहाँ से, अंदर कहाँ से आई। अच्छा फायर प्लेस, ओके, जो फायर प्लेस वाली चिमनी है ना जो ऊपर जाके खुलती है, वहाँ से नहीं, गेट तो कोई नहीं खुला, गेट तो अभी चेक भी तो किया हमने, जैसे हम जब सामान निकाल रहे हैं ना तो काफी देर से गेट खुला रहता है, अभी भी इतनी बीच में एक बार घुस गई तो फिर अंदर जो भी रहता है। जैसे कैसे भगा रहे उसको चिड़िया, गो आओ, गो नहीं समझ रही हो तो चिड़िया जा। नाइस ट्राई जीजू, नाइस ट्राई, ये तो हिल भी नहीं रही, क्या कर रहा है इसका, 100 मार्क्स फॉर एफर्ट। तू तो जानवर है, तू देख कुछ तेरी सुने तो पंखा ही नहीं चला दियो। नहीं चला दिया, तू देख तो दशम तेरी सुने तो तू तो जानवर वालों से बात करता है। तो गाइस हमारे घर पे खुशियों का माहौल है क्योंकि चिड़िया से ली गई है बाहर। जीजू सही से लगा दो के फिर आ जाए, मेहनत रंग लाई, आते क्या है मेरा नाम लेके किसी ने प्रेजेंट लगा दे। चलो भाई इसे बंद कर दो, अब तो हमारे घर ही ना दिखे। भाई दक्षिण देखा चिड़िया घर में आ गया, अपना सामान वामान लगा ये निकल लिया यहाँ से। शाबाश बेटा, बेटा गई अब तो गई, तुम रह सकते हो घर में। क्या अभी तो आवाज नहीं निकल रही थी?
गाइस हमारे दीदी और जीजू इतने ज्यादा प्यारे हैं, इन्होंने हमारे लिए केक का इंतजाम किया हुआ है। हमें 10th मंथ एनिवर्सरी अभी अभी जस्ट हुई, हमने सेलिब्रेट कहीं नहीं करा। और आप ये देखो, मेरे को लग रहा है चिड़िया ये डिलीवर करने आई थी, क्योंकि इन्होंने कब में केक मंगा लिया पता ही नहीं चला। जीजू इतने फुर्तीले, पता नहीं कब लेकर आ गए, जबकि हमारे साथ ही आए हैं। अब मुझे लग रहा है बीच में उतरे तो वहीं लेकर आए हैं, जो गलत बात है। जीजू थैंक यू यार, छोटा सा बहाना किया कि मेरे को कुछ काम से जाना है तो मैं अभी उतरा फिर वहां से लेकर। जीजू ने जो बहाना किया था ना, उनका पेट खराब हो रहा है, वो यही लेने गए थे वो। थैंक यू यार, थैंक यू। दीदी आप बैठो ना, मतलब देखो आप लोग देखो रात के 11:30 हो चुके हैं, और उसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं कि कल कटवा दे परसों कटवा, वो अभी भी लेके आया यार, मतलब बहुत मैटर करती है छोटी छोटी चीजें यार। यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। ठीक इंग्लिश बोली मैंने? हाँ, बहुत अच्छी बोली। बहुत अच्छे है हमारे जीजू और दीदी दोनों। दीदी थैंक यू यार। अरे यार थैंक यू, बहुत अच्छे भाई, ये लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू आरू, एक को देखो कहाँ है, उसके पास गेम की आवाज आ रही है। नहीं आया, चलो केक केक कट करो, केक मिलेगा नहीं फिर। मामा मामी को बोलो हैप्पी हैप्पी 10th मंथ एनिवर्सरी। इतने में तो बेटा मैं कई बार फंबल हो जाता, कितना तूने एक बार में बोल दिया। ये कैमरा तरफ दो। हाँ 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 ठीक है। सो गाइस अब ये कैंडल मेल्ट होने वाली है, उससे पहले वो कर देते हैं क्या, प्रे करते हैं कि हमारे 10 महीने हुए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल ऐसे ही रहे, हम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, जन्म 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 हंसते खेलते सारी दुनिया घूमो, जैसे दीदू और जीजू की शादी चल रही है बिल्कुल वैसे ही चले इनकी। क्योंकि मैं कैमरे के सामने इसलिए नहीं बोलूंगी, जितना मैंने इनको देखा अभी 10 दिनों में, दक्षिण लग जाएगी तो बोल तो कैमरे के सामने रही है। 10 दिनों में जितना मैंने इनका प्यार देखा है ना, मतलब 2 बच्चे होने के बाद भी चीजों में इतना प्यार है दीदी के लिए, हर एक चीज पर दीदी जीजू इतनी केयर करते हैं। दीदी तो केयर करती हैं लेकिन जीजू का प्यार ही अलग दिखता है। तो मैं लखन को बोलती हूँ, लखन अगर तुम बनोगे ना जीजू की तरह बनना, एक अच्छे हस्बैंड। नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैं मजाक से हटकर बोल पूरे दिन जीजू क्लास लगवाने में सबसे बड़ा। अरे यार वो तो मजाक चलता है दीदी, मजाक चलता है ना वो, बट वो बहुत केयरिंग है, बहुत बहुत प्यार करते हैं दीदी से, सच में सच्चे दिल से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट हस्बैंड यार। दीदी ने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं अपनी प्रेगनेंसी की टाइम की, और भी बहुत सारी बातें, तो मुझे ऐसा, मैं तो रो गई थी वो सुन के। मैंने कहा यार इतने अच्छे हस्बैंड भी होते हैं। खैर मेरा भी बहुत अच्छा हस्बैंड है, ऐसा नहीं है। केक कट करते हैं, आओ सब लोग, आओ सब लोग, हाथ अरे हाथ आरू हाथ क्या आरू को दो ना, अरे हाँ बच्चे हैप्पी 10th मंथ एनिवर्सरी। और आप सबको भी थैंक यू, आपने इतनी सारी विशेस दी हमें। अरे कितने कट लगाएगी, बस 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 बेटा, काटे जा रही है बस। सबसे पहले खाएगा हमारा दक्षु, पूरा नहीं खाना बेटा, पूरा खाना है। हाँ पूरा खाएगा। फिर खाएगी हमारी आरू। Wow, यम्मी यम्मी, हमारी आरू को केक बहुत पसंद है। काश हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी खिला सकते हैं, इसे कुछ ऐसा कोई ऑप्शन हो, है ना? खाएगी मेरी नीतू। मजा आ गया केक खा के। थैंक यू यार। तो ये था हमारा एक बड़ा सा सेलिब्रेशन, इसको मैं मिनी नहीं बोलूंगी क्योंकि family ये फैमिली के साथ होता है ना तो बड़ा हो जाता है, वो कोई छोटा नहीं होता। तो ये जो भी आप बोलते हुए ना मिनी सेलिब्रेशन हो रहा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपका आशीर्वाद प्लीज यार, और जीजू जी का हमेशा। और जब आप जल्दी एक साल हो तो जल्दी फिर दोबारा आओ आप लोग। एक साल का टाइम दे रहे हो अभी, तो नहीं अभी मतलब अभी ये 2 महीने बाद है तो एक साल कम है। हां अच्छा, एनिवर्सरी के लिए 3 महीने के बाद है कि एक साल बाद जीजू दिन में करके साल भर में दिख जाएगा। जब फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है वो भी इधर आके वापस आके हमारे साथ ही सेलिब्रेट करो। जीजू बहुत अच्छा है, कसम से। वेन मैं तो चला सोने, तू आ जाइयो भाई, ठीक है? ओके बाय बाय। वैसे कल तो सुबह भी कर सकती है, मैं तो बोलूंगा मैं मन नहीं करता ये करने का, सुनती नहीं है। मैं कुछ बात करना चाहती हूं। बड़ी बहन नहीं होते खड़े, नहीं छोटी बहन नहीं होते खड़े, होते काम कर अच्छे से। मुझे अब लाइट लुक रखना ज्यादा पसंद है। और दूसरी चीज मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, प्लीज यार आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हो लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हो। होता क्या ना कि वो वीडियो के व्यूइंग रेशियो और लाइक रेशियो जब कम हो जाता है ना, तो फिर यूट्यूब वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं करता। इसी वजह से मैं बार बार आपको हर वीडियो के एंड में रिमाइंड कराता हूँ कि प्लीज लाइक कर दो वीडियो, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, मतलब आपकी तरफ
से अप्रिशिएशन होगा मेरे लिए। तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना, बातें करेंगे डेली की तरह। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, थैंक यू।